आलू ले, ल्याज ले गोभी ले घिया ले बैंगल ले क्योंकि लेकी ब्यूटी का चढ़ गया है ऐसा बुखार अब पुराना ठेला बन गया है एक ब्यूटी कार अगर हो गए हैं तो ये वाला फेस वॉश लगा ले बहन निम्पल ओहो हाथ हो गए हैं रंगीन तो लगाओ ना जल बे सनस्क्रीन अगर बाल हो गए हैं हल्के तो तभी निकलेंगे जब डर्मा रोलर लगाओगे मल के

शिकंजी का शौक रखते हो क्या सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कई लोग टूथपेस्ट भी लगाते हैं नींबू लगाते हैं आपकी स्किन का पीएच बैलेंस नेचुरल रहता है साढ़े चार से छह इज गुड लेकिन कोई भी चीज जिसका पीएच बैलेंस एक्सट्रीम हो एल्कोलाइन या एसिडिक मतलब बिल्कुल बिल्कुल कम या ज्यादा तो वो स्किन को सेंसिटिव करता है जैसे की नींबू हो गया आपका टूथपेस्ट हो गया वो तुरंत तो क्या करेगा हल्का लाल क्लीन दिखा देगा लेकिन अगर उसको लॉन्ग टर्म यूज करेंगे स्किन को सेंसिटिव करेगा और फोटोटॉक्सिक करता है मतलब वो सेंसिटिव कर दिया और हल्की सी भी सन एक्सपोजर से वो स्किन डार्क हो जाएगी इसीलिए टाइम टू टाइम आपके लिप्स को स्क्रब करना बहुत इंपॉर्टेंट है डेडसिन सेल उतरते हैं लेकिन जेंटली स्क्रब करें जेंटली पे इतना फोकस क्यों है लड़कों के हाथ पे कंट्रोल थोड़ा कम होता है एंड आपको पता है कि प्रेशर ज्यादा दिया तो नेगेटिव इंपैक्ट डालता है आपके लिप्स पे तो बेस्ट सोल्यूशन का रिमूव कर सकते हैं साथ -साथ है कर सकते है। जब लिप्स को स्क्रब करें उसके बाद मॉइस्चराइज जरूर करना है जब स्किन या ब्लैक हेड निकाले तो उसके बाद मुल्तानी मिट्टी भैया ये क्रिकेट किट है क्या भट एलगार्ड नहीं है इसमें अब बताओ वर्ल्ड का सबसे बढ़िया ऑलराउंडर कौन है जडेजा हाँ तो इसको ऑलराउंडर किट कहते हैं वो क्या होता है अब इस किट में सबसे पहली चीज़ आती है घड़ी पहले ये समझिए कि घड़ी इतने प्रकार की होती है बोलने का मतलब है मेटल है चेन है स्मार्ट वॉच है कलरफुल स्ट्रैप है अब एक आम आदमी क्या बोलेगा कुछ ऐसा बता दो जो हर जगह पहने ऑलराउंडर वॉच चाहिए तो उसके लिए फॉर एग्जांपल आजकल स्मार्ट वॉच का जमाना है तो वो कैजुअल वेयर के साथ तो चल जाएगी बट सूट के साथ फॉर्मल वेयर के साथ नहीं बाकी वॉचेस को डिकोड करें तो लेदर वॉच आती है अब लेदर वॉच के अंदर क्या रहता है एक्सेसरी का नंबर वन रूल क्या है उसको मैच करना कलर को अगर ब्राउन पहन रहे तो ब्राउन के साथ ब्राउन पहनना है ब्लैक पहन रहे तो ब्लैक के साथ ब्लैक लेकिन हमने लेनी एक है एक ऑलराउंडर बनानी है तो सेफर ऑप्शन क्या है मेटल में आ जाते हैं मेटल में दो कलर आते हैं गोल्ड या सिल्वर गोल्ड थोड़ा आउटशाइन करता है कलर स्कीम के हिसाब से तो वो ओकेजन पे पहना जाता है सिल्वर वॉच अगर सिल्वर वॉच ऑलराउंडर बनानी है तो वो मीडियम डायल की हो एंड साथ साथ स्लिम हो एंड द थिंग इसका जो इनर फेस है ब्लैक या व्हाइट रहे जो बाकी सारे कपड़ों के साथ इजीली मर्ज हो जाए और ऑलराउंडर सिल्वर क्वालिटी वॉचेस मार्केट में इजीली 900 से 1800 में अवेलेबल है फेस शेप नहीं समझ आता और सनग्लासेस इतने सारे हैं। मैं आपको ऐसे सन ग्लासेस बताऊँगा विच इज ऑल राउंड दन ग्लासेस हर फीस पे जाएगा हाँ किसी पे बहुत अच्छा लगेगा किसी पे अच्छा लगेगा लेकिन गंदा किसी पे नहीं लगेगा ऐसा क्यों क्योंकि आपको तीन चीज़ें ध्यान रखनी है सबसे पहला क्या आपकी स्किन टोन से मैच होना चाहिए उसका फ्रेम का कलर कोई भी फंकी नहीं लेना ब्लैक या शेड्स ऑफ ब्राउन में जाना है उसके बाद दूसरा क्या मीडियम फिट होना चाहिए मीडियम फिट का मतलब क्या है ज़्यादा बड़ा नहीं छोटा नहीं आपके नोज के मिट से निकले एंड थर्ड क्या है मीडियम जान लिया दोस्त पचास से ज़्यादा फ्रेम शेप्स है एविएटर है वे है कैट आई है कौन सा लेना है मीडियम के अंदर आपको लेना है वेफ फेयर में बहुत सारे हैं जो हल्का सा लिटिल कर्व हो मतलब ऊपर एज एंड लिटिल कर्व ये दोनों का कॉम्बिनेशन हर फेस शेप पे लगेगा अरे ये जिम की प्लेट पे सी क्यों लिखा है अब सी से वो नहीं है सी का मतलब होता है कंपाउंड मूवमेंट अब कंपाउंड मूवमेंट होता है इसमें एक से ज्यादा मसल यूज हो रहा हो आपका जैसे कि डेडलिफ्ट हो गया स्क्वाट हो गया थोड़ी डिफिकल्ट एक्सरसाइजेस लगती है लेकिन मेजोरिटी टीन एजर्स इसी एज में आपका जिम ज्वाइन करते हैं बॉडी बनाने का शौक आता है एंड जो ईजी ट्रेनिंग्स होती है जैसे कि चेस्ट हो गया बाइसप हो गया शोल्डर हो गया उसी पर फोकस करते हैं आप जब भी बॉडी बनाना शुरू करते हैं अगर इनिशियल पीरियड और उसका बेस स्ट्रांग रहता है वो आगे बहुत हेल्प करता है आपको मैं बताता हूँ कैसे इनिशियल

i drop a serum one of the fastest growing product in the grooming market ऐसा क्यों क्योंकि सीरम आपकी स्किन पे इजीली एब्जॉर्ब होता है डायरेक्ट लगता है फास्ट एंड ईजी तरीका है आपकी स्किन को ट्रीट करने का लेकिन मार्केट में अलग अलग टाइप के सिरम्स आते हैं जो अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो जानना जरूरी है कौन सा क्या करता है फॉर एग्जाम्पल वाइटामिन सी रिंगल्स ठीक करता है स्किन ब्राइटन करता है अन ईवन स्किन टोन को ठीक करता है आपका पोर मिनिमाइजिंग बेसिकली ऑयली स्किन को ट्रीट करता है एक्ने जिनको ज्यादा आता है या पोर जिनके वाइड ओपन दिखते हैं उनके लिए अच्छा है एसिड सीरम एंड मेनी टाइप्स ऑफ सीरम अगर आप हमारी मेजर ऑडियंस को देखो सोलह से छब्बीस

मेलेन प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है मेलेन होता है टैनिंग के लिए डार्क स्पॉट्स के लिए जो डार्कनेस होती है जब उसको रिड्यूस करेगा तो वो जल्दी फेड होगी जो भी आपके स्कार यानी कि गड्ढे होते हैं अगर वो डार्क कलर के होंगे तो वो और डीप लगेंगे तो उसकी डार्कनेस फीड करता है ये और वो बेटर दिखने लगेंगे टू बी वेरी ऑनेस्ट विदाउट सर्जरी आपका जो फास्टेस्ट तरीका है हाइपर पिगमेंटेशन आपके डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस फास्ट करने का दैट विल बी अ डेडिकेटेड डार्क स्पॉट स्किन केयर रोटी अब इसके अंदर तीन प्रोडक्ट है सबसे पहले है कोजिक एसिड फेस वॉश जब पानी एब्जॉर्व हो जाए उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट आएगा कोजिक एसिड फेस सिरम बाय डरमा को दो से तीन ड्रॉप लगाया उसको सर्कुलर मोशन में आपको रब करना है एंड लास्ट जो सबको पता है इस अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जेल बेस सनस्क्रीन परफेक्ट एस पी एफ है एस पी एफ फिफ्टी दो से तीन महीने आराम से बड़ी बॉटल चल जाती है मेरी एंड डोंट वरी इन सबका लिंक मैं नीचे दे हूँ कोई भी लड़की आपसे मिलती है सबसे पहले क्या नोटिस होता है आपके हैंड्स हाँ हैंड शेक इंपॉर्टेंट है उसके बाद क्या आपके नेल्स का लड़कियाँ देखा अपने नेल्स पे कितना ध्यान देती है सबसे पहला वो नेल आर्ट हो गया मैंने की हो गया आपको ये सब नहीं कराना टाइम टू तो टाइम वो कट हो जाए बड़े जंगली वाले ना दिखे मैं लाओ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर उनके लिए नहीं तो अपने लिए क्योंकि आपको गर्मियों में इचिंग होती है प्राइवेट एरिया में और वो नील से होती है तो आपके छिलने के इचिंग के बढ़ने के फंगल इन्फेक्शन के chances चार गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इसीलिए एक हाइजीन किट होनी ही चाहिए जिसके अंदर क्या रहता है आपका nail कटर हो गया उसके बाद भी हार्ड रह जाते हैं तो उसको सॉफ्ट करने के लिए फाइलर हो गया आपके प्राइवेट एरिया के लिए स्मॉल सीजर हो गई आईब्रो के लिए प्लकर हो गया दो सौ रुपये का इज़ क्या भी अलग अलग तरीके अपना रहे हैं टू स्क्रैच बॉल्स कभी 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 ऐसे कभी ऐसे और ऐसे तो माइक्रो मोडाल आपका दोस्त है इतना अजीब नाम का कौन सा दोस्त बना मेरा मतलब अंडरवेयर के फैब्रिक का नाम है बेसिकली जब भी आपके प्राइवेट एरिया में इचिंग होती है बैक्टीरिया बिल्डअप होता है वो किस कारण होता है तीन ही जगह पे बैक्टीरिया बिल्डअप हो सकता है अगर वो जगह डार्क हो अगर वो जगह स्वेटी हो अगर वो जगह वार्म अब नॉर्मल अंडरवेयर जब भी पहनते हो गर्मियों में क्या होता है यूजली आप वर्कआउट करने जाओ चलो वर्कआउट भी ना करो नॉर्मली नीचे मार्केट से होकर आओ हो, तो अंडरवेयर कभी कभी गीला हो जाता है तो इसका मतलब क्या है नॉर्मल अंडरवेयेयर स्वेट एब्जॉर्बिंग नहीं होते ब्रीदेबिलिटी सिर्फ पांच से दस रहती है जब माइक्रोमोडल फैब्रिक की बात आती है पचास ज्यादा स्वेट एब्जॉर्बिंग होता है और साथ साथ क्या? आपकी ब्रीदेबिलिटी बहुत बढ़ा देता है उस से से मतलब मतलब वो तीन थे उसमें दो तो हट गए मतलब का क्या लाइट लगा दूं क्या अरे, ये क्या है लगा अरे अरे ये चमन नहीं चिराग देखो चाहे सुंदरता हो बॉडी हो आपका करियर हो या पैसा हो किसी भी चीज को सुंदर बनाना है बड़ा बनाना ग्रो करना है उसको वही तो चिराग है लेकिन वो चिराग हमारे पूर्वजों के घरों में दिखता था लेकिन ये चिराग आजकल नसीब नहीं होता पता है वो हमें क्यों नसीब नहीं है वो जल्दी बोर हो जाना इरेटेट हो गया मूड नहीं कर रहा है हल्का सा डाउनफॉल देखा छोड़ दिया तो बोलने का मतलब ये है कि मेरे दोस्त अगर कोई चीज़ पसंद है उसको पकड़ा है तो छोड़ना नहीं सो so सोगाई ये सब कुछ था अबाउट दोस ब्यूटी असेंशियल इन 2023 जो आपकी लुक्स को लेवल अप कर सकते हैं एंड जो भी मैंने प्रोडक्ट बताया था उनका लिंक मैंने नीचे दे रखा है यू कैन ऑल्सो बाय दैट ऑन द डमा डॉट कॉम यूजिंग द कोड फॉर्मल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री आपको ट्वेंटी परसेंट ऑफ मिलेगा दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन एमजॉन फ्लिपकार्ड एंड नाइ अगर आपको वीडियो में मज़ा आया तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब